पानीपत में दरिंदगी का मामला सामने आया है। तीन महिलाओं के साथ दरिंदगी की वारदात। हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाया गया, परिवार को बंधक बनाकर के लूटपाट की गई और महिलाओं के साथ पूरी रात दरिंदगी की गई है, गैंगरेप किया गया है। घटना में एक पीड़िता की मौत भी हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत का यह मामला, घटना में एक पीड़िता की मौत की भी जानकारी सामने आई है। पानीपत में महिलाओं के साथ दरिंदगी का यह मामला है। हथियारों के दम पर दरिंदगी की गई, पहले परिवार को बंधक बनाया गया, लूटपाट भी की गई और इसके अलावा अब इसका शिकार भी महिलाओं को बनाया गया। महिलाओं के साथ पूरी रात दरिंदगी की गई। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में, यह घिनौना कृत्य जो पानीपत से सामने आया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मतलोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वहां पर दो डेरे थे, एक मछली फार्म था और एक तमाम जो इस तरीके से प्रवासी लोग जो है डेरों पर रहते हैं, धान की कटाई की फसल है, तो इस तरीके के डेरे थे। और देर रात बताया जा रहा है कि चार से पांच बदमाश जो है वो डेरे में आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको बंधक बनाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे और पुरुषों को जो है वो अलग कमरे में डाल देते हैं, फिर महिलाओं के साथ जो वो घिनौना कृत्य करते हैं। इसको लेकर जो है महिलाओं को पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल लाया जा रहा है और जिसमें एक महिला की जो है वो मौत भी हुई है। तो मामला बड़ा पेचीदा है जिसको लेकर तमाम CIA की जितनी भी टीमें हैं वो जांच में लग गई हैं। फिलहाल अब देखना है कि जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनको पुलिस कब पकड़ती है, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है। जी जितेंद्र, आपने बताया कि जो डेरे प्रवासी लोग, क्या ये प्रवासी महिलाएं हैं, ये कोई घर में रहने वाले लोग नहीं है, यहाँ क्षेत्रीय लोग नहीं है? बिल्कुल, जानकारी इनसे निकलकर जो जानकारी निकलकर आ रही है, ये प्रवासी लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है हितेंद्र के, आपने देखा होगा कि जो जिस तरीके से लोग बाग धान या गेहूं की फसलें करते हैं, जो डेरा बनाते हैं, वहां पर प्रवासी मजदूरों को भी रख लेते हैं, उनका खाने पीने की सारी चीजें जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। तो इसी तरीके से दो डेरों पर ये रह रहे थे, जिसके साथ इस बारे में कोई जानकारी, कहाँ की रहने वाली हैं ये महिलाएं जिनके साथ ये दुष्कर्म की घटना घटी? देखिए हितेंद्र, ये चीजें अभी निकल कर सामने नहीं आई, हमने कोशिश की थी कि उनसे पूछा जाए, लेकिन फिलहाल वो जो है वो होशो आवास में नहीं है कि उनसे बात की जाए। जितनी भी महिलाएं हैं उनका मेडिकल हो रहा है और एक महिला जिसकी मौत हुई है उसके शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल इस मामले में अभी कोई जानकारी निकल नहीं पा रही कि वो प्रवासी लोग कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये जानकारी जरूर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से उनके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से प्रवासी लोग जो यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं। और पुलिस अब तक इस मामले में सिर्फ देर रात से, मैं कहूंगा तमाम टीमें लग रही हैं, लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही। हमने उनसे बात करना भी चाहिए थी, जिस तरीके से महिला की हत्या हुई है इस मामले को लेकर भी पुलिस का कोई जवाब नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ जांच निकल कर आती है, तमाम CIA की टीमें इसमें जांच कर रही हैं। जी, जो महिला की हत्या हुई वो किस वजह से हुई, क्या इस बारे में कोई पता चल पाया अभी तक? देखिए, यही लूट के साथ जो है जिस तरीके से मैंने बताया कि ये दो डेरे थे, एक मछली फार्म का डेरा था और एक अन्य डेरा था, वहां पर भी इस तरीके से बदमाश गए हैं और उसकी भी हत्या हुई है। तो ये तो कड़ी जो है इस मामले में, जब बदमाश या कुछ इस तरीके का पुलिस का वक्तव्य आएगा किस तरीके की हत्या हुई है, उन महिलाओं के साथ क्या बलात्कार भी हुआ है, तो ये सारी चीजें मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही आएंगी कि क्या क्या घिनौना कृत्य है। लेकिन जिस तरीके से लूटपाट भी हुई है, 11,000 रुपए की नकदी बताई जा रही है, चांदी के जो जेवर थे वो भी ले जाए, वो भी लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तब निकल कर आएंगी जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी। और फिलहाल जो महिला है उसका मेडिकल हो रहा है, मेडिकल होने के बाद जो है ये पता लगेगा कि उसकी हत्या किस वजह से हुई। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए जितेंद्र। तो बड़ा मामला सामने आया है पानीपत से, जहां एक ही परिवार की कई महिलाओं के साथ इस तरह से दरिंदगी की गई है।